News 18, India. और बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के स्कूलों में 15 फरवरी यानी कि सूर्य सप्तमी पर सूर्य नमस्कार कराए जाने का निर्देश जारी किया गया है और इसी के ऊपर मुस्लिम समुदाय ने आपत्ति अब जाहिर कर दी है। इस पर जमीयत उलेमाए राजस्थान ने सोमवार को एक बैठक की और प्रस्ताव पारित कर दिया। इसमें 15 फरवरी को मुसलमानों से अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की अपील की गई है। इसके अलावा कमेटी की तरफ से सूर्य नमस्कार के खिलाफ राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी भी दाखिल कर दी गई है। इसमें राजस्थान सरकार के फैसले के ऊपर रोक लगाने की मांग की गई है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 15 फरवरी को राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार होगा। मुस्लिम संगठन इसके विरोध में आ रहे हैं, वो कह रहे हैं अपने बच्चों को 15 फरवरी को स्कूल मत भेजो। इसके अलावा इस फैसले का विरोध भी किया गया है। अब बड़ी बात यह है कि राजस्थान सरकार के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए कोर्ट में भी अर्जी दाखिल कर दी गई है। तो बहुत बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं, पूरा मुस्लिम संगठन इस वक्त एक है और 15 फरवरी को होने वाले सूर्य नमस्कार का अब विरोध करते हुए तमाम मुस्लिम संगठन दिखाई दे रहे हैं। कोर्ट में बाकायदा अपील की गई है कि राजस्थान सरकार के इस फैसले को रोका जाए। जमीयत उलेमाए राजस्थान ने इसके ऊपर आपत्ति जाहिर की गई है, एक बैठक की गई और प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। ये कहा गया मुस्लिम समुदाय के घरों को कि अपने बच्चों को 15 तारीख को स्कूल ही मत भेजो। अब ये तीन तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, स्कूल में सूर्य नमस्कार होना है 15 तारीख को, उसके लिए प्रैक्टिस भी बाकायदा शुरू कर दी गई है। और वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय ये नहीं चाहता कि उनके बच्चे इसमें शिरकत लें। उनका कहना है ये गलत है, राजस्थान सरकार की तरफ से ये सूर्य नमस्कार की जो योजना बनाई गई है ये गलत है और हाईकोर्ट में बाकायदा इससे जुड़ी हुई एक अर्जी दाखिल कर दी गई है कि आप कोर्ट इंटरवीन करें और इस पूरे मामले को यहीं पर रफा दफा किया जाए। 15 तारीख को यानी कि कल राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार ना हो पाए। इधर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए राजस्थान ने भजनलाल सरकार के फैसले को धार्मिक मामलों में गलत तरीके से हस्तक्षेप और संविधान के खिलाफ बताया है। राजस्थान में सूर्य नमस्कार पर हंगामा बरपा हुआ है। 15 फरवरी को स्कूलों में सूर्य नमस्कार कराया जाए और इसके खिलाफ है मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमाए राजस्थान। सूर्य नमस्कार है, सरस्वती वंदना है या अपना वो राष्ट्रगीत है ना, राष्ट्रगीत है, वंदे मातरम है, ये सारी चीजें हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। सूर्य नमस्कार हिंदू धर्म के उसके अंदर ऐसी क्रियाएं और स्लोगन्स हैं जिनके जरिए से इबादत का रूप मिलता है। इस्लाम धर्म के अंदर जो है वो सिर्फ अल्लाह की इबादत होती है, सूर्य की इबादत नहीं होती। राजस्थान सरकार जो है उसे धर्म निरपेक्ष रहना चाहिए। इस बारे में सूर्य नमस्कार को लाजिम करार नहीं दिया जा सकता। और जयपुर में जमीयत उलेमा राजस्थान की राज्य कार्य समिति की एक बैठक में राजस्थान सरकार के फैसले के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें इसे राजस्थान सरकार के फैसले पर मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ने आपत्ति जता दी और जमीयत उलेमाए राजस्थान ने सूर्य नमस्कार को इस्लाम के खिलाफ बता दिया। जमीयत उलेमा ने राजस्थान के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार को अनिवार्य करने को धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन माना है। मुस्लिम संगठन ने अपने प्रस्ताव में राजस्थान सरकार पर धार्मिक मामलों में गलत तरीके से हस्तक्षेप करने का आरोप भी लगा दिया और इसके साथ ही मुस्लिम समुदाय से राजस्थान सरकार के फैसले का बहिष्कार करने का आह्वान किया गया है। ये कहा गया है कि अपने बच्चों को 15 तारीख को स्कूल मत भेजना। और इधर राजस्थान के स्कूलों में सूर्य नमस्कार लागू किए जाने पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि 15 फरवरी को पूरे राजस्थान में लाखों लोग सूर्य नमस्कार करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। राजस्थान भर में 15 फरवरी को 10:30 से 11:15 के बीच एक साथ लाखों लोग जिसमें शिक्षा विभाग के विद्यार्थी हैं, कोचिंग क्लास के विद्यार्थी हैं, संस्कृत शिक्षा के विद्यार्थी हैं, सारे डिपार्टमेंट के कर्मचारी अधिकारी निवासी यहाँ के आमजन, चाहे राजनीतिक आध्यात्मिक सामाजिक किसी भी संस्थाओं से जुड़े हों या न जुड़े हों, वो सबको सामूहिक आकर के और भगवान सूर्य भगवान की आराधना करना चाहिए।